इंटरनेशनल फ्लाइट में बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा की तलाश में मुंबई पुलिस बेंगलुरु तक छापेमारी कर रही है। पुलिस इस वक्त मुंबई से बेंगलुरु तक छापेमारी कर रही है। और पिछले साल आपको बताएं 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान में हुई अशोभनीय घटना को लेकर अब तक दोनों तरफ से वर्जन आ चुके हैं और पहली बार इस घटना का एक चश्मदीद सामने आए हैं। उसी फ्लाइट में डॉक्टर स्वागत भट्टाचार्य मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उस दिन आरोपी शंकर मिश्रा नशे में थे। देर रात हुई घटना, उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे और महिला से भी घटना की शिकायत की तो एयरलाइंस स्टाफ ने दोनों को साथ बिठाकर आपस में मामला सुलझाने को कह दिया। तो देखिए पीड़िता की आप भी थी क्या है, न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट, लंच के बाद लाइट्स बंद थी। ये सिलसिलेवार तरीके से आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी लिखकर बता रहे हैं क्या हुआ था, किस तरह से यह मामला सामने आया। आरोपी शंकर महिला की सीट पर आया, महिला के ऊपर उसने पेशाब कर दिया और वह बुजुर्ग महिला 77 साल जिनकी उम्र, यह अशोभनीय घटना। रोकने पर भी वहीं खड़ा रहा यह आरोपी शंकर मिश्रा। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, ये जो आरोपी है इसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, इसकी गिरफ्तारी बेंगलुरु से हुई है। ये आरोपी शख्स शंकर मिश्रा अब पुलिस की गिरफ्त में है क्योंकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी इसकी गिरफ्तारी के लिए। आखिरकार ये शख्स पुलिस के चंगुल में आ गया और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एयर इंडिया बदसलूकी का यह पूरा मामला और विमान में महिला से बदसलूकी का जो ये मामला है, एयर इंडिया बदसलूकी केस में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो बेंगलुरु से शंकर मिश्रा को गिरफ्तार करने की सूचना मिल रही है। इस शख्स ने विमान में महिला से अशोभनीय हरकतें की, महिला के ऊपर इसने पेशाब किया और यह केस कुछ दिनों के बाद हाईलाइट हुआ। लेकिन जैसे यह मामला संज्ञान में आया तुरंत सरकार एक्शन में आई, एयर इंडिया हरकत में आई और पुलिस लगातार इसके लिए दबिश डाल रही थी। लेकिन ये लोकेशन बार बार लगातार बदल रहा था और आखिरकार ये पुलिस के चंगुल में फंस गया, बेंगलुरु से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो एयर इंडिया बदसलूकी केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और यही वो शख्स है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था अमेरिका के अंदर, लेकिन अब कंपनी ने भी इसको बर्खास्त कर दिया है। सोचिए एक गलती से आप अपनी नौकरी भी खो बैठते हैं, समाज में जो इज्जत है वो भी गंवा बैठते हैं, मां बाप पर क्या बीत रही होगी, परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। इस घटना से सबक, बेंगलुरु से शंकर मिश्रा को पुलिस ने पकड़ा है, इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। एयर इंडिया बदसलूकी केस का ये पूरा मामला और इसकी प्रोफाइल की बात करें तो देख लीजिए सामने आपको दिखा रहे हैं, इस शख्स की तस्वीर भी है, पूरी प्रोफाइल भी है। और इसके पहले आपको बता दें लगातार लोकेशन ये बदल रहा था, इस वजह से पुलिस जहां भी पहुंच रही थी ये पहले वहां पर फरार हो जाता था, लेकिन आखिरकार अब ये गिरफ्त में है पुलिस के। ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं, हमारे साथ अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अरविंद क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जो शंकर मिश्रा है इसे बेंगलोर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात लगातार शंकर मिश्रा को लेकर छापेमारी चल रही थी लेकिन फाइनली इसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। पहले लोकेशन मुंबई की मिल रही थी लेकिन उसके बाद मुंबई से वो गायब हो गया था। 3 जनवरी को बेंगलोर में इसका मोबाइल फोन बंद हुआ था जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार शंकर मिश्रा को फॉलो कर रही थी और फाइनली कल शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली ही लाया जा चुका है। अब दिल्ली पुलिस इससे लंबी पूछताछ करेगी। अरविंद इस पर क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं? देखिए इस पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 354 यानी मोलेस्टेशन का केस, 294, 509, 510 की धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोप ये है कि जो 70 साल की बुजुर्ग महिला है उन पर यूरिनेट किया इसने और उसके बाद से बातचीत हुई थी, हालांकि जाने दिया गया था लेकिन जो बुजुर्ग महिला है उन्होंने कंप्लेन किया, उन्हें इंसाफ चाहिए था, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। और FIR दर्ज करने के बाद जब ये तलाश करने लगी जो शंकर मिश्रा है उससे बातचीत करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस ने,
तो उसने मोबाइल फोन बंद कर लिया और अंडरग्राउंड हो गया था, जिसके बाद मुंबई में इसके एड्रेस पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां भी नहीं मिला, जिसके बाद ये पता चला कि बेंगलोर में इसकी लोकेशन मिली है, लेकिन मोबाइल फोन बंद हो गया था। शंकर मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, दिल्ली पुलिस का इसका कहना था, जिसके बाद अलग अलग लोकेशन पर ताबड़तोड़ दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है, इसको गिरफ्तार किया है। अरविंद, जल्दी से ये भी बता दीजिए कि स्वतः संज्ञान लिया गया था या फिर FIR दर्ज कराया गया था पहले, किसके कहने पे? महिला ने बकायदा, जो बुजुर्ग महिला है वो काफी आहत हुई थी, उन्होंने बकायदा कंप्लेन दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। सूत्र ये बताते हैं कि शंकर मिश्रा को दिल्ली लाया जा चुका है, जो बाकी क्रू मेंबर हैं उनको भी समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ करके उनका मामला इतने दिनों के बाद प्रकाश में क्यों आया अरविंद? जी देखिए, पहले जो महिला थी वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर रही थी, चूंकि 70 साल की बुजुर्ग महिला है, वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज भी थी जो सूत्र बताते हैं, तो जब उन्हें उन्होंने कई जगह कंप्लेन की, उसके बाद सीनियर अथॉरिटी में जाकर कंप्लेन की है, तब जाकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि विक्टिम की तबीयत काफी खराब थी, इस वजह से उनका कहना था कि उन्हें वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने उससे शिकायत भी की थी, लेकिन बाद में जो उन्होंने शिकायत दी सीनियर अथॉरिटी से, उसके बाद दिल्ली पुलिस से, तब जाकर इस मामले में FIR दर्ज हुई, तहकीकात हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अरेस्टिंग की कोशिश की। पहले शेखर मिश्रा नाम सामने आ रहा था, नाम को लेकर भी कंफ्यूजन था, उसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पासपोर्ट लगा जिसमें शंकर मिश्रा था।